जय गुरुदेव, जय भगवान, वैश्व माँ की जय, वैश्व माता तुम्हारी जय। हे वैश्व माँ, हे मेरी माँ तुम्हारी जय, सभी की कल्याणकारी माँ तुम्हारी जय। देखिए, ज़िंदगी के कुछ ऐसे सच होते हैं जो वाकई में बिल्कुल सच होते हैं, व्यक्ति जानता हुआ भी उनको अनदेखा करता है। जैसे सभी को मालूम होता है कि मेरी माँ कौन सी है, वो तुम्हारी माँ है जिसने तुमको जन्म दिया, लेकिन वो माँ वैष्णो माँ दुर्गा माँ सब माँ एक रूप समझ रहे हैं। माँ तो माँ होती है, माँ हर बच्चे माँ माता रानी हर घर में आके तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, इसीलिए माता रानी ने माँ का रूप दे दिया कि तुम मेरे समान माँ हो, जैसे मैं माँ हूँ तुम माँ हो, तुम एक परिवार में रहकर घर बसाओ और माँ बनकर माँ का कर्तव्य करो। जो मैं करती हूँ, मेरी तो सब सीधा पढ़ने आते, बट तुम घर का संचालन करो, इसलिए भगवान ने माँ बनाया है कि माँ तुम माँ के रूप में घर को चलाओ। तो उस लेकिन जब माँ आज के ज़माने में माँ बुढ़ी होने लगती है तो बच्चे उनको निगलेक्ट करने लगते, ऐसा नहीं करना। जब माँ तो माँ ही है, कितना भी सुंदर कोई बन जाए, कितना भी सौंदर्य कोई हो, भाई बहन बीबी, लेकिन माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता है। हम वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, यहाँ भी मंदिर है तो हम क्यों जाते हैं? एक हमारे मन में श्रद्धा है कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, नहीं तो जगह जगह मंदिर है छोटे छोटे वैष्णो माँ के बने, हम दुर्गा जी जा रहे हैं, काली जी जा रहे हैं, क्यों? हम माँ की श्रद्धा लेके जाते हैं कि मेरे माँ उस मूर्ति पे हमें श्रद्धा होती है, जैसे हमें उस मूर्ति पर श्रद्धा होती है वैसे हमें अपनी माँ पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि ये मेरी माँ है। माँ तो जगत जननी होती है, माँ की माँ ही से तो सृष्टि है और हमें उस माँ को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सच है कि माँ के बराबर वफादार, ये अपने दिमाग में रखो कि माँ के बराबर कोई वफादार नहीं हो सकता है। हर इंसान साथ छोड़ देता है लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, सब पैसे और दौलत के साथी बनते लेकिन माँ कभी भी ना पैसे के साथी, क्योंकि बचपन में क्या बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या पैसे लेके जन्म लेता है, उसकी परवरिश क्यों करती है? तो पैसे के लिए तो नहीं करती, तब तो पैसे के लिए नहीं करती, उसे ये नहीं मालूम होता मुझे कितने दिन का जीवन। कभी कभी किसी के 5-6 साल का बच्चा होता है, माँ चली जाती है, शरीर त्याग कर देती है, तो क्या उसने पैसे के लिए किया था? माना कि आज के बच्चे बड़े हो गए, पहले भी बच्चे सहारा करते कि मेरा सहारा बनेगा, लेकिन जो जल्दी चली जाती तो क्या उसने पैसे के लिए किया? नहीं, माँ पैसे की भूखी नहीं होती है। कोई भी किसी भी मंदिर की माँ क्या तुम्हारे पैसे की भूखी है? वो वही तो देती जो उनके ऊपर तुम रखते हैं जाके, वो कहती नहीं मेरे पे चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हैं? एक श्रद्धा केवल लगता है। तो माँ माँ है, माँ के बराबर कोई वफादार नहीं होता और हमें माँ के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। ये एक कड़वा सच है कि माँ की बराबरी समाज में दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जैसे माँ मंदिर की बराबरी कोई नहीं करता, वैसे अब जननी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नंबर 2, गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं होता है। बट क्या कोई दोस्त नहीं होता? तो दोस्त होता ही नहीं है, नहीं, गरीब के तो बहुत दोस्त हैं। जिस दोस्त ने अमीर आदमी को इज्जत शौहरत दी है, वो तो दोस्त गरीब का वही तो दोस्त है। मेन दोस्त तो वो गरीबी का है। जैसे बहुत छोटा सा बहुत पुराना सा दृष्टांत है कछुआ और खरगोश का। खरगोश तेज तेज चलता है, भागता है, सोचता है मैं हम पेड़ के जल्दी से निकल जाएंगे। कछुआ बेचारा धीमे ही धीमे चलता रहता है, मगर ये खरगोश को नींद आती है और पेड़ के नीचे छाया में सो जाता है, थक जाता। और कछुआ सोचता मैं तो धीमे चल पाता, धीमे धीमे चलता, वो धीमे 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 चलता चलता मुकाम तक पहुंच जाता है। खरगोश की नींद खुलती तो वो देखता है कि मैं जल्दी से भागूं, कछुआ पीछे रह जाए, मैं सो गया। मगर जब वो जल्दी से भाग के पहुंचता है मुकाम पर, तक क्या देखता है कि कछुआ वहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो धीमे धीमे गया। उसी तरह से हम किसी काम को करने के लिए पैसे से अपनी इज्जत शोहरत दिखा के काम कर लेते, मगर वो काम तो होता है लेकिन उस काम से भी बेटर खरगोश का, जैसे कछुआ का हुआ वैसे गरीब का होता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। वो मनी मन भगवान को दंडवत करता, भक्ति में लगा रहता, तो जिसने उनका काम किया वही तो इनका भी काम करते, भले ही 2-3 लेट होता है लेकिन उससे भी बेटर गरीब व्यक्ति का काम होता है। कहते गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, गरीब से ज़्यादा दोस्त किसी के नहीं होते हैं। गरीब इंसान से ज़्यादा दोस्त किसी के नहीं होते, क्योंकि गरीब हर समय भगवान की आराधना ईश्वर को याद करता है। भगवान हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमको रात भर का खा बस जो दोगे वही खा के सो जाएंगे, तो जितना अच्छा वो खा लेता है खाता है और भरपूर चादर तान के सो जाता, उतना पैसे वाला आदमी कैसे रह सकता है? उसको तो चिंता रहती मेरी लॉकर न टूट जाए, मेरा पैसा न बेमानी हो जाए, वहाँ उधारी दिया था लेना है, वहाँ ऋण दिया था लेना है, किराए पर रेंट पर मकान उठाया है लेना, उसको तो केवल पैसे की चिंता लगती। और गरीब आदमी टूटी सी झुपड़िया में छप्पड़ में या जैसा छोटा सा मकान है उसमें आराम से खाता है
और सो जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, गरीब के बहुत दोस्त हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं, वही उनके भी दोस्त हैं जो तुम्हारा काम करता है, वही गरीब का काम करता है। इसलिए हमें किसी को गरीब अमीर नहीं समझना चाहिए और गरीब अमीर समझ कर हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि करने वाले, जीवन चलाने वाले, जिनके संचालक सबके एक हैं, सृष्टि करने वाले सबके एक हैं, तो हम ऊंच नीच गरीब कहाँ हैं। हमें गरीब और अमीरी में कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। नंबर 3 है, आज भी अच्छी सोच को कोई अच्छी सूरत को तरजीह नहीं देते हैं। कहते हैं आज इतना समाज बदल जाने पे, पहले इतना सत्संग, इतने मंदिर, इतने ये मठ नहीं थे, आज इतने सब होने के बाद भी लोगों की सोच बदली है, सत्संग करके, पूजा करके, पढ़े लिखे ज़्यादा होने से, ग्रंथों को पढ़कर, मगर फिर भी ये सोच नहीं बदल पाए कि अच्छी तहजीब की किसी को अच्छी शिक्षा दें। पहले के बच्चे कम पढ़ते थे, फिर भी वो अच्छी तहजीब के थे, कहीं निकलते थे सिखाया जाता था कि भैया पैर छुओ, बिटिया नमस्ते करो। आज आदमी सरी झुका दे बहुत, पैर भी छूता है तो मुँह से बोल दिया या इशारा कर दिया, पैर छूने की आदत ही नहीं डालते। अच्छी तहजीब अपने बच्चों को देते ही नहीं लोग हैं कि बच्चे कि कैसे कहीं बैठा जाता है, कोई बड़ा बैठा है तो हम कैसे बैठें, हम कैसे चलें। पहले के लोग, बड़े लोग जब ऊपर बैठते थे तो छोटे लोग नीचे बैठते थे, पैर छूते थे बड़ों के। आज का तो ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। पहले लोग पर्दा करते थे, आज तो पर्दे की तो कोई बात ही नहीं है कि हाँ हम कैसे सम्मान दें। पहले लोग सम्मान देने के लिए कोई आता था बड़ा अपने से, तो सर पे पल्लू लेडीजें रखती थी, बड़े पैर छुए। आज तो पल्लू की कोई ज़रूरत नहीं, पल्लू तो एकदम कट के चला गया है, हाई नहीं। सलवार सूट था उसमें थोड़ा सा पल्लू था, अब इसमें तो पल्लू ही नहीं, तो रखेंगे क्या। मतलब है कि तहजीब नहीं रह गई है, इंसान ने अपनी तहजीब को बिल्कुल उठा के अलग ही कर दिया, उसकी सूरत ही तहजीब की बदल दिया, कि तहजीब क्या चीज़ है, उसकी सूरत ही बदल दी तहजीब की, कि तहजीब क्या चीज़ होती है मालूम ही नहीं। अब जब आज ये इतना हो गया तो आगे के लोग जानेंगे ही नहीं कि कैसे तहजीब क्या चीज़ है, कैसे पैर छुए जाते हैं, कैसे किसी का रिस्पेक्ट किया जाता है, कैसे पर्दा किया, किसी को मालूम ही नहीं। जब इंसान को ये सूरत बदल रहा है तो भगवान भी उसकी कुदरत बदल रहे हैं। आज देखो पहले के इंसान और आज के इंसान में कितना डिफरेंस है। आज के इंसान कोई आता है किसी की इज्जत करने में, तो भगवान भी क्या करें इसमें। भगवान ने भी, जब तुम ऐसी नहीं करते हो, भगवान ने, चलो लड़की लड़कियाँ एक साथ ही वर करते हैं, बस इस तरह से तुम बराबर होकर चलने लग गए, किसी की ना इज्जत की है ना इसकी है, तो कहते हैं कि भगवान ने भी ये सूरत बदल दी कि चलो तुम ना, तुम्हारी, तुम किसी की इज्जत नहीं करते हो तो तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। पहले हस्बैंड वाइफ में कितनी वाइफ इज्जत करती थी, अब जब तुम अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हो तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती, वो भी कहती हम भी जींस टॉप पहन के जा रहे हैं, खाना बना के रख लेना, तो वो सूरत बदल गई। तुमने अपने माँ बाप की नहीं किया तो वो क्यों करे, तुम्हारी क्यों करे, माँ बाप क्यों करे, हमारे बच्चे होंगे हमारी नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आज जो लोग हैं उनकी सोच पुरानी लोगों की ठीक के जैसी नहीं है, और पुराने जैसे लोगों की सोच ही आज की तहजीब ने बदल कर, आज की तहजीब ही बिल्कुल अलग हो गई है। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। आज का इंसान, आज का समाज केवल पैसों की इज्जत करता, पैसों वाले की इज्जत करता, बिना पैसे वालों की इज्जत नहीं करता है, क्योंकि पैसे को ही सबसे महत्व समझते हो। है पैसे का महत्व, लेकिन उस पैसे का महत्व कहाँ पर है? उस पैसे का महत्व जब है, जब उस पैसे को हम ऐसी जगह यूज़ करें, अपने घर परिवार के लिए तो हम यूज़ ही करेंगे मेहनत करिए, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत होती, ज़रूरतमंद को भी तो हम दो पैसे दे दें, उसके लिए भी तो हम यूज़ कर दें। मंदिर में, मठ में जब हम चढ़ाते हैं तो भगवान के पास तो सभी कुछ है, भगवान के पास तो कोई कमी नहीं, बट अगर किसी को गरीब देखते हैं तो उसको हम दे दें, उसकी हेल्प कर दें। कोई गाय जा रही है, गाय को एक हम बैग में बिस्किट लेके चले, एक पैकेट खिला दिया, या घर से निकले हमने, सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम किसी की इज्जत करना चाहते हैं, किसी को सम्मान देना चाहते हैं, किसी का पेट भरना चाहते हैं, पैसे की तो इज्जत है ही है, हमने जो भी सब्जी काटी, हमने उसका जो काटन कुटन या थोड़ी सी ऐसी निकली हमने रख लिया पॉली में, हम निकले गाय को खिला दी। हम किसी को किसी तरह से तो कुछ कर सकते हैं, केवल पैसा ही किसी की इज्जत सम्मान या भरण पोषण नहीं कर सकता। किसी का भरण पोषण करने, सबके भरण पोषण के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसे तो भरण पोषण आदमी अपने परिवार का ही करता है, बहुत मुश्किल से कोई किसी की हेल्प करता है, लेकिन और तरह से तो हम इज्जत कर सकते, सम्मान कर सकते, इज्जत कर सकते, पैसा दे
पेट भरण पोषण किसी का कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हर जगह केवल पैसे की ही महत्व नहीं देना चाहिए, और कहीं पर बिना पैसे का भी काम होते हैं। जैसे गाय का महत्व तो केवल हम पैसे से नहीं कर सकते हैं, क्या हम गाय खरीद के लाएं या गाय को हम चारा भूसा दें, नहीं। महत्व पैसे को हम एक रोटी बनाते हैं, एक रोटी खिला के उसके पैर छू के भी तो उसका महत्व कर सकते हैं, उसने हमको पैसा दिया नहीं, हमने उसको पैसा नहीं दिया। पैसे बिना पैसे वाले की इज्जत इस तरह इज्जत कर दी जाती है। एक कुत्ता आता है, कुत्ते को रोटी देने लोगों तो दरवाजे कुत्ता रो जाएगा, तो उसने हमको पैसे दिए ना लिए लेकिन हमने उसकी इज्जत की तो वो मेरी इज्जत करे। कहते केवल इंसान पैसे से इज्जत के लिए मत सोचे कि वो भी मेरी इज्जत कर रहा है, क्योंकि रोज़ मेरे दरवाजे वो बैठता है, कुत्ते को रोटी देते हैं, तो क्या है वो मेरी इज्जत करना, क्यों नहीं, मैंने उसको रोटी एक दी तो मैंने नहीं दी, मेरे घर में बैठे भगवान ने दिया, तो भगवान रूपी भगवान बन के मेरे दरवाजे मेरी रक्षा करते हैं, गाय मेरी सहायता करती। इसलिए कहते हैं कि इज्जत सिर्फ पैसे की नहीं, इंसान की भी करनी चाहिए। नंबर 5, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा धोखा देता है। कहते हैं जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा खास समझते हैं वही हमको धोखा देता है। कैसे? हम, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार या कोई भी हमारा कितना भी मेरा काम कर दे, कितनी भी इज्जत दे, लेकिन हम उसको अपना खास नहीं समझते हैं। हम अपना खास अपने परिवार वाले को ही समझते हैं, अपने घर वालों को ही समझते हैं, लेकिन घर वाले भी धोखा दे देते। आज के समाज पहले नहीं देते थे, आज के समाज में देखो भाई भाई का नहीं होता, घर घर में नहीं होते हैं, और रिश्तेदार तो वो पहले भी कम होते थे, आज का तो बहुत ही प्रचलन हो गया, मन में समझ में हो गया कि इंसान को कोई समझता ही नहीं। किसी के दुख में आता है, 2 मिनट को आया और चला गया। पहले था कि आदमी आता जाता रहता था, हेल्प करता रहता था, आज का तो रिवाज में ले लिया कि किसी को मत समझो और उसी से दुख मिलता। और एक तो ये हो गया, दूसरी तरह से हम देखें जिससे हम उसको हम जिसको सबसे ज़्यादा अपना समझते वो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? मान लो हमारा कोई बेटा कोई बेटी बेटी कमज़ोर है, तो हम क्या है सबसे ज़्यादा उसी के बारे में सोचा करते हैं, इसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा। अब जिसके लिए हम सोचते हैं उससे हमको कैसे दुख ज़्यादा मिला, क्योंकि मेरा दिमाग उसी में तो उलझा रहता है, डिप्रेशन में उसी को सोच के डिप्रेशन में चले जाते। तो हमने जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी को सोचा तो हमारा हम डिप्रेशन में चले गए, तो हमको उससे सबसे ज़्यादा कष्ट मिला कि नहीं मिला। हम जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं तो उसी की वजह से गए तो उसी से हमको कष्ट मिला। ऐसे ही कहते हैं कि जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको हमको उससे सबसे ज़्यादा कष्ट मिलता है। इसलिए किसी से बहुत सीमा से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, या घर या परिवार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितना परिवार हम या पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार करते हैं उस सबसे ज़्यादा प्यार हमें एक ही अपनी आत्मा से करना चाहिए। अपने खुद पे विचार करके अपने से प्यार हमको सबसे ज़्यादा प्यार अपने खुद से करना चाहिए। खुद में कौन है? खुद से जब हम प्यार करेंगे कि हम जब चलें तो कहीं गिरे ना, कहीं ये ना हो, या हम अपना ऐसा कर लें तो ठीक है, ऐसा कर लें तो कौन, हम किसको सजा संवार रहे हैं? अपने शरीर को जब हम ध्यान देते हैं, सबके साथ अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है, तो उससे क्या होता है हमारे भगवान को संभालते, हमने अपने को संभाला, हमारे आत्मा रूपी मेरे भगवान संभले, तो ये भी तो बहुत बड़ा त्याग है, ये चीज़ भी तो बहुत। तो कहते हैं कि दूसरों के सुख देने में तो सुख है, दूसरों के लिए परेशान होने से तो परेशान है, लेकिन सर्वप्रथम हमें अपने को ध्यान देना चाहिए कि मैं भी तो ठीक रहूँ। तो और अगर हम किसी को प्यार करते भी तो हैं, लेकिन जब हम ठीक होंगे तभी तो हम उसको प्यार करेंगे, ऐसे तो उसको हम नहीं प्यार कर पाएंगे ना, इस ऐसे तो उसके लिए हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते ना। इसलिए कहते हैं सर्वप्रथम हम अपने आत्मा रूपी भगवान को सर्वप्रथम सजाएं और संभालें, अपने को ध्यान दें। अपने साथ ध्यान करते हुए हम किसी को ध्यान कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये मेरी 5 बातें आप ध्यान से देखें। नंबर 1 था मेरा, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। नंबर 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं है। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को तहजीब देते हैं, जिसकी अच्छी सोच है उसको नहीं देते हैं सूरत, पैसा देकर उनको अहमियत देते हैं। नंबर 4 है, इज्जत सिर्फ पैसे की नहीं इंसान की होनी चाहिए। आज का व्यक्ति इंसान की नहीं पैसे की इज्जत करता है। और नंबर 5 है, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा हमें दुख देता है, कष्ट देता है, या उसी से हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ मिलती है। जिसको हम सबसे ज़्यादा खास समझते हैं तो सबसे ज़्यादा खास हम खुद को समझें, सबसे बड़ा खास हम खुद को समझें
जब हम खुद को समझेंगे तो हम भगवान को समझेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत हम सबसे पहली अहमियत हमें अपने को देनी चाहिए, और अपने से पहले जब अपने को अहमियत दिया तो हमारे भगवान की अहमियत होगी। इसलिए सर्वप्रथम भक्ति, भक्ति के बाद ही हमें सब ध्यान देना चाहिए। चलिए किसी फिनिश टेबलते हैं। ये हमारे ज़िंदगी के पाँच वाकई के वाकई के सत्य हैं, वाकई अहमियत की बातें हैं ये ध्यान। चलिए फिर मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब पर मोर।